हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। आज हम लेके आए हैं आधी कटोरी साबुदाना से पूरे परिवार के लिए बर्थ स्पेशल रेसिपी, जो कि हम एक चम्मच घी में इनको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पैन लिए हैं, इसमें हमने आधी कटोरी साबुदाना डाल लिए हैं। तो साबुदाना का पहले साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा, उसके बाद आप इनको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में और इनको हम ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा या अच्छे से हो जाए, इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी की जार में और इनको हमें पीस लेना है, यानी कि फाइन पाउडर हमें तैयार कर लेना है। देखिए, इनको हमें पीस के तैयार कर लिए हैं, अभी दिखाते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से पाउडर हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की कच्चे आलू लिए हैं, हमने इनको छील के अच्छे से धो के लिए हैं। अब ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बारीक वाला से मत कीजिएगा, मीडियम वाला जो छेद होते हैं ना, उनसे आप कद्दूकस कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों आलू को जो है ना कद्दूकस कर लिया। अब इनको हम अच्छे से धो लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए इनको अच्छे से धो के ले लिया। अब देखिए लच्छा ना कितने अलग अलग हो गए धोने के बाद, और ये साफ हो गए अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे पीसी हुई साबुदाना। हमने यहाँ पे सारे साबुदाना के पाउडर जो है ना, इसमें हम एक ही बार में डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप ज़्यादा करके डाल लीजिएगा। साथ ही 2 हरी मिर्ची जिनको हम बारीक काट के इसमें डाल दिए हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक ले लिए हैं 1 टुकड़ा। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और साथ ही 1 छोटी चम्मच काली मिर्च की पाउडर ले लिया है हमने। अगर आप काली मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो यहाँ पे मत डालिएगा। साथ ही आधी नींबू के रस डाल देंगे इसमें, ताकि इससे हल्का सा खट्टा फ्लेवर आए और बहुत ही अच्छा लगे खाने में। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक ऐड करेंगे। इनको हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिला लेते हैं। तो पानी वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। हमने नमक डाले हैं ना, आलू में जो पानी छोड़ेगी ना, उसी से ये अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से सेट भी हो जाएगी, तो हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से हमने इनको मिला लिए, मिक्स कर लिए हैं। अब इनको हम कवर करेंगे। अब 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे कवर करके। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटा लेते हैं। अब इस तरीके से हम बाइंड करेंगे। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, देख सकते हैं। अगर नहीं हो रही है ना बाइंडिंग, 1 से 2 चम्मच पानी डाल के इनको अच्छे से मसल लीजिएगा, ताकि इसमें अच्छा सा बाइंड आ जाए। हमने इनको बाइंडिंग कर लिया अच्छे से, उसके बाद हम टिक्की की तरह इसको बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो भी शेप, जिस तरीके से शेप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से टिक्की बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। हमने यहाँ पे सारे नाश्ते तैयार कर लिए हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे गैस पे पैन रखे हैं, इसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी ले रहे हैं। तो जो आप बर्थ में घी यूज करते हैं ना साफ सुथरा, वही घी आप बर्थ में जब बनाइएगा तो यूज करिएगा। हमने यहाँ पे 3 चम्मच घी लिए। घी को बढ़िया से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो नाश्ते बनाए हैं डाल देंगे। यहाँ पे देखिए हम सिर्फ 3 चम्मच यहाँ पे घी लिए हैं, और 3 चम्मच में ही इनको बनाएंगे, ताकि अब घी भी काफ़ी बचेगी, इतना ज़्यादा इसमें घी भी नहीं लगेगा और एकदम कम तेल में, यानी कि बना हुआ नाश्ता हमारा तैयार होगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं खाने में। अब इनको नीचे सिकने देंगे, पलट लेंगे। तो दोनों तरफ से हम इनको अलट पलट करते हुए अच्छे से सुनहरा करके मीडियम फ्लेम पे हमें सेक लेना है, ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो देख सकते हैं हम इनको 4 से 5 मिनट इनको हम सेके हैं। ये अच्छे से फूल भी गए हैं और सुनहरा कलर भी आ गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अभी पैन में जो है ना 1 चम्मच करीब घी बचा है, 2 चम्मच घी हमारा टोटल ख़त्म हुआ है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आवाज़ भी सुन लीजिए, तो है ना क्रिस्पी बना हुआ। अभी मैं तोड़ के भी आपको दिखा दूंगी कितने फूले फूले बने हैं हमारे ये टेस्टी बर्थ वाला नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना भाई।